हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज लिमिटेड की अगर आप देखोगे तो इस कंपनी यहां पे राइट इशू यहां पे ओपन होती हुई नजर आई है। कंपनी यहां पे राइट इशू लाई 2024 का और यहां पे 3 जून 2024 को यहां पे राइट इशू ओपन होगा और 12 जून 2024 को यहां पे क्लोज हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंडे को मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज का राइट इश्यू ओपन होने वाला है और यहाँ पे 12 जून को क्लोज होने वाला है। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, 2010 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी। और इस कंपनी का जो बिजनेस है, एडिबल ऑयल की अगर हम बात करें, नॉन एडिबल ऑयल्स की बात कर लें, इंक्लूडिंग सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल की बात करें, इसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वीट, राइस, ये सब सारी चीज़ें डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ जो आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट की स्टेट इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह देखने को मिले। एक्सपोर्ट इन प्रोडक्ट्स इन कंट्री चाइना के अंदर, थाईलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ओमान, नीदरलैंड, मैक्सिको और तुर्की, ये सब सारी जगह यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मंगलम ग्लोबल के जो बेसिकली राइट इशू लाई है, तो कंपनी यहाँ पे तो देखने से जो डिटेल्स देख रहे हैं उस पर तो अच्छी लग रही है। यहाँ पे 21 रुपया के शेयर प्राइस अभी के टाइम पे फिलहाल देखने को मिल रहा है मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिकली राइट इशू है, यहाँ पे क्या क्या है इसके अबाउट भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी यहाँ पे 41 करोड़ 20 लाख का फंड रेज करती हुई नजर आ रही है, जो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से राइट इशू आया है और यहाँ पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे उन्हीं को राइट इशू दिया जाएगा जो 23 मई 2024 तक बाइंग किए हैं और यहाँ पे उसके बाद जो बाइंग किए 24 मई 2024 से जो बाइंग किए आगे डेट में या 24 मई को ही बाइंग किए हैं, उनको यहाँ पे राइट इश्यू अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो बेसिकली राइट इश्यू का जो यहाँ पे अपडेट है कि 7 शेयर अगर आपके पास है, 7 शेयर अगर आपके पास है तो 1 शेयर आपको राइट इश्यू अप्लाई करने के लिए कंपनी देती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो यहाँ पे मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज की अभी के टाइम पे 21 रुपया प्राइस है, जो यहाँ पे एक तरह से 20 रुपये पर शेयर, मात्र 1 रुपया इससे कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो एक तरह से राइट इशू में बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से राइट इशू को हमें लगता है यहाँ पे सेल करके बाहर निकलने में ज़्यादा फायदा नजर आता है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप सेल करके बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया 7 जून 2024 का रखा गया, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं दिया गया। अगर आप देखोगे तो 4 दिन का ही टाइम आपके पास है मात्र, और 3 जून को ओपन होगा, 7 जून तक ही आप सेल कर पाएंगे, उसके बाद आप सेल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेल करने के लिए आप सेल कर सकते हैं, जो आपको आरी शेयर मिलेगा यहाँ पे, तो आरी शेयर को आप सेल करके चल सकते हैं राइट इशू। अगर आपको राइट इशू ही अप्लाई करना है तो आप राइट इशू भी अप्लाई करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सेल करने की जो तिथि जो मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे अलग अलग वे होते हैं, जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप कहीं से भी एक तरह से राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। किसी वन मेथड को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, साथ में साथ अगर हम बात करें ऑफलाइन कर सकते हैं, जो फॉर्म ईमेल पे दिया गया होगा, आपके पास एक फॉर्म आया होगा राइट इशू का, तो यहाँ पे राइट इशू का फॉर्म आया होगा, उसको फिल करके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं अभी। प्लस आरटीए ऑप्शंस होता है वहाँ से के जरिए भी, अगर वहाँ पे कंपनी सुविधा ले रही है तो यहाँ पे उसके जरिए भी आप राइट इशू अप्लाई करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सब सारे तरीके होते हैं एक तरह से राइट इशू अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो बेसिकली राइट इशू जो अप्लाई करेंगे उनको वापस लिस्टिंग देता हुआ नजर आएगा शेयर, जो 19 जून 2024 को यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 17 जून 2024 का डेट में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आरी शेयर को अगर आप सेल कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं तो उससे आपके जो पास जो ओरिजिनल शेयर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं होता, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है राइट इशू से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों,
मुझे यहाँ पे खुशी हुआ कि आपने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया। इसके साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा, जिससे कि आने वाला अपडेट होगा वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होता है, ओनली मैं यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए ही वीडियो देता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करें आगे मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पे आपको जो चीजें देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप की, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, 339 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, और प्रमोटर यहाँ पे एक बड़ी हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास खुद है, लेकिन यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, 201 करोड़ यहाँ पे कर्ज है और 110 करोड़ मात्र रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कंपनी राइट इशू ला रही है, तो यहाँ पे जो फंड्स आएगा वो डेप्ट को कम करने में लगा सकती है या अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देखो रहे हो यहाँ पे आरओसी या आरओई है जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है 21 पे और इसका पी अभी 18 पे ही देखने को मिलता है, यानी मतलब इंडस्ट्री के पी से इसका पी अभी भी कम है। 1.23 रुपया का अच्छा ईपीएस जनरेट कर रही है कंपनी। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपया देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो 0.10% यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर भी 7 दिया गया है, तो एक अच्छी खासी रेटिंग है, और यहाँ पे ग्राहम नंबर की जो प्राइस है 15.20 रुपया का फिलहाल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है कंपनी, तो मार्च क्वार्टर में बहुत तगड़ा कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पे इसके शेयर प्राइस पे असर दिखेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 333 करोड़ से यहाँ पे सेल से बढ़ाकर 542 करोड़ कर चुकी है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे 4% से घट के 3% आ गया, और यहाँ पे 8 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 12 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। यानी Q4 क्वार्टर कंपनी के लिए काफी शानदार रहा और काफी तगड़ा रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी देती हुई नजर आई है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा अभी दिक्कत है, जो आने वाले समय में कंपनी यहाँ पे सुधारती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिलहाल अभी के टाइम पे देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू एक तरह से बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर है जो अपनी कंपनी को लेके काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव है, और यहाँ पे FIS की अगर हम बात करें तो FIS अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल कर चुके हैं। DIS अभी भी 0.05% की होल्डिंग यहाँ पे रखे हुए नज़र आते हैं, और पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ पे स्टेबल ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है, 24.96% का ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इतना वीडियो देखने के बावजूद भी, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके चलें, जिससे कि आने वाला जो अपडेट होगा उनको भी मिलता रहेगा, और साथ में वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, राइट इशू की पूरी डिटेल्स चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उससे जाके आप राइट इशू की पूरी डीप लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट इशू डिटेल्स करके एक लिंक पड़ा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।